रक्षा करनी करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है और प्रकृति पर निर्भर आप एक सादा जीवन जीते हैं, अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्मठता के आपके असूल हैं और पारंपरिक हुनर और कौशल के सहारे आप अपना जीवन चलाते हैं, साथ साथ प्रकृति को आप समृद्ध रखते हैं और मजबूत रखते हैं। देखिए, मैं अभी मणिया चौगान में गई थी, वहां पे मैंने पहली बार देखा ऐसी जगह को और आप सबकी श्रद्धा उस जगह से जुड़ी है, वहां पे आपकी आस्था जुड़ी है, आदिवासी आस्था के गौरव का केंद्र है। मैं वहां गई तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया और चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब हम यहां चुनाव के समय आते हैं और हम आप सब से बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, घोषणाएं करते हैं, तो एक तरह से हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे जो हम पाते यहां पे आपके सामने हम कर रहे हैं तो हमारा सम्मान जाएगा। तो आज इसी भावना से मैं आपके सामने खड़ी हूं। आपने, कई वक्ताओं ने इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थीं, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहां मेरी बातों को सुनने आए हैं तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूं, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूं। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है जो सिर्फ मेरी शक्ल, उनकी पोती होने के नाते नहीं है, और वो गहरी बात ये है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। भरोसा इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूं। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूं आपसे वो सच बात हो, वो सही बात हो और वो आपके लिए ही बात हो जो आपको आगे बढ़ा पाए और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी, अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है
उसको आप देखिए, आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, कि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। तो इसको बचाने के लिए और मजबूत पर करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। जो भी नेता यहाँ आता है, मैं जानती हूँ ये तीन शब्द बोल जरूर जाता होगा, जल, जंगल और जमीन, है कि नहीं?